बॉलीवुड के जाने माने एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर सतीश कौशिक कल रात हम सबको छोड़कर चले गए, जिससे पूरा बॉलीवुड शोकाकुल है। जिसकी जानकारी अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट करके दी। अनुपम खेर ने लिखा, जानता हूं मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है, पर ये बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम। लाइफ विल नेवर बी द सेम विदाउट यू सतीश कौशिक, ओम शांति। कई यादगार फिल्मों में उन्होंने काम किया, जाने भी दे यारों, उत्सव, मिस्टर इंडिया, राम लखन, स्वर्ग, जमाई राजा, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, दीवाना मस्ताना, साजन चले ससुराल, आंटी नंबर वन, बड़े मियां छोटे मियां, आ अब लौट चले, हसीना मान जाएगी, दुल्हन हम ले जाएंगे, हद कर दिया आपने, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, हम किसी से कम नहीं, अतिथि तुम कब जाओगे, उड़ता पंजाब और फन्ने खा। बतौर डायरेक्टर की अब तक की सबसे महंगी फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा उन्होंने डायरेक्ट की, हालांकि वह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। सतीश कौशिक को बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भी मिल चुका है। राम लखन और साजन चले ससुराल जैसी फिल्मों के लिए उन्होंने बेहतरीन कॉमेडियन का रोल किया और उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। फिल्मों में जैसा काम सतीश कौशिक करना चाहते थे उन्हें वैसा काम नहीं मिला, लेकिन अपनी खूबसूरत अदाकारी से उन्होंने इंडस्ट्री में ना केवल अपनी पहचान बनाई बल्कि लाखों लोगों के दिलों को भी जीत लिया। सतीश कौशिक शबाना आजमी के घर 7 तारीख को मुंबई में होली मना रहे थे और 8 तारीख को वो यहाँ गुरुग्राम आ गए, जहाँ पर वह होली के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। देर रात अचानक उन्हें घबराहट हुई और गुरुग्राम में उन्होंने एक अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर काफी मशक्कत के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। फिलहाल उनका पार्थिव शरीर दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। पोस्टमार्टम के तत्पश्चात यहां से उनके पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।